पंजाब के रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में शिफ्ट किए जाने के दौरान बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के साथ अनहोनी हो जाने की आशंका से परिजन परेशान थे। सोशल मीडिया पर भी मंगलवार को लगातार ट्रेंड करता रहा कि कहीं यूपी पुलिस की गाड़ी न पलट जाए या फिर उनकी हत्या ना हो जाए। हालांकि वे सुरक्षित बांदा जेल पहुंच गए हैं, पर रोपड़ से बांदा तक की यात्रा जिस तरीके से मीडिया के कैमरों की नज़रों में रही है और इससे जुड़े कयासों के कारण साल 2015 की एक घटना की भी चर्चा होने लगी। दरअसल उस घटना के खुलासे में भी मुख्तार अंसारी को रास्ते में ही टपका दिए जाने की साजिश की बात सामने आई थी। दरअसल इस वाक्य के तार बिहार के आरा कोर्ट में हुई उस वारदात से जुड़ते हैं जिसमें कोर्ट परिसर में मानव बम विस्फोट किया गया था। पूरा वाक्य कुछ यूं था कि 23 जनवरी 2015 को सिविल कोर्ट परिसर की हाजत के पास बम विस्फोट हुआ था। विस्फोट में भोजपुर पुलिस का एक जवान अमित कुमार शहीद हो गया था और 20 लोग घायल भी हुए थे। कोर्ट में बम लेकर आई यूपी के बलिया की एक महिला नगीना देवी की मौत हो गई थी और बम विस्फोट के बाद जेल से पेशी के लिए लाए गए कुख्यात अपराधी लंबू शर्मा और अखिलेश उपाध्याय फरार हो गए थे। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।